जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया कोरोना संक्रमित मोहल्ले का निरीक्षण। मदहा कस्बे में कोरोना संक्रमित इलाके का जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमीरपुर जनपद के मदहा कस्बे के मोहल्ला तकिया का है मामला, जहां पर कल एक जीआरपी सिपाही की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया था। हालांकि रात भर में पुलिस तथा नगर पालिका की टीम ने पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया। वहीं संक्रमित सिपाही को मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर सिपाही के संपर्क में रहने वालों के सभी के नमूने जांच कर लिए गए हैं और पता लगाया जा रहा है कि संक्रमित सिपाही किन के संपर्क में रहा है। साथ ही सिपाही के परिवार वालों को घर में ही क्वारंटीन किया गया है। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मोहल्ले का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, कल ज्ञात हुआ कि एक जीआरपी के कांस्टेबल सैफुद्दीन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो भी हमारी गाइडलाइंस थी 31 मई की, उसके तहत 250 मीटर उसके जो उनको बांधते हुए उसके रेडियस में सारे जेल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जहां पर भी इनके आसपास के जो भी मोहल्ले हैं तकिया मोहल्ले के, उनको भी बफर जोन घोषित किया गया है, क्योंकि ये संज्ञान में आया था कि कांस्टेबल का मूवमेंट उन जगहों पर भी था। और पूरी जो भी संबंधित गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसी के अनुसार पूरी कार्रवाई की जा रही है। परिवार के कितने लोगों से वो लिए गए सैंपल? परिवार के सारे लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इनकी इसमें उनके 5 लोग थे। उनके मार्केट के लिए मार्केट तो फिर अभी जितने लोग थे उन्होंने मार्केट स्वयं ही बंद कर रखी है बिना किसी कहे हुए। बाकी अभी तय करके हम लोगों की एक बैठक होगी जो भी आवश्यक सेवाओं की, उसमें जैसा भी दिशा निर्देश होगा अवगत कराया जाएगा। सैंपल तो अभी उनके परिवार का लिया जा रहा है। लगभग 80 लोगों का सैंपल लिया जाना है अभी तक, जो तय हो रहा है। तो उनको आज धीरे धीरे हम लोग शाम तक कवर कर लेंगे। थैंक यू सर।